टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अभी पिछले दिनों नूरा ने मुझे मक्खन का पेड़ा निकालते देख लिया। दूसरे दिन मुर्गी के अंडे बराबर मक्खन निकला और उससे अगले दिन चिड़िया के अंडे बराबर। गाय को 3 दिन तक मिर्चों की धुनी दी, जब कहीं जाके नजर उतरी। नजर तो कभी कभी मेरी भी लग जाती है बीबी जी। इससे पहले आपके शीशे का एक ग्लास तोड़ चुकी हूँ। हाँ, तूने कहा तो था बीबी जी कि क्या साफ शफाफ है, नजर आर पार हो जाती है। बस यूं ही पड़े पड़े छन से टूट गया, मैं तो हैरान रह गई। पगली, नजर तो प्यार की लगती है, कोई दुश्मनी में थोड़ी लगती है। अब तू परे को देख। आलान दहलीज पर यूं बैठ गई कि उसका एक पांव बाहर सेन में था और एक कमरे के अंदर। नशिस्त के इस अंदाज ने उसके नीले लाचे को तान कर उसकी आधी पिंडलियों से ऊपर कर दिया था। उसके मैले पांव के मुकाबले में उसकी पिंडलियों का रंग कितना मुख्तलिफ था। उसकी पिंडलियां कितनी सडोल थीं। यूनानियों ने वीनस के बुध की जो पिंडलियां बनाई थीं, क्या वो आला की पिंडलियों को देखकर बनाई थीं? आरिफ मियां, परदेश में आप करते क्या हैं? उसने मुझसे यूं पूछा जैसे अपनी उम्र के लड़कों से ऐसे बातें नहीं करते। अब तू बड़ी हो गई है, बताया नहीं तुझे किसी ने? वो दहलीज पर बैठी बैठी अम्मा की तरफ घूम गई। अब उसके दोनों पांव सहन में थे और बालों का एक ढेर कमरे में था। कौन बताए बीबी जी? अम्मा अब्बा होते तो बताते, उन्हें खुदा के पास जाने की इतनी जल्दी पड़ी थी कि मेरे सर पर से हाथ उठाया तो इतना इंतजार भी ना किया। किस लड़की के सर पे कोई हाथ रख के तो चले। तुम्हारी माँ तो कब की चल बसी, क्या तुम्हारा बाप भी चल दिया? हाँ, वो भी चला गया। अब मैं लड़का होती तो शायद जूते गांठना सिखा जाता।
पर उसने मुझसे रोटियां ही पकवाई। अब मैं एक मोची की बेटी हूँ, लेकिन अपने जूते दूसरों से मरम्मत कराती हूँ। तो क्या हुआ, तुझे चप्पल गाँटना नहीं आती तो क्या है? बाकी तो तू सारे काम जानती है ना, अपनी मेहनत से कमाती है, अपनी मेहनत का खाती है, सारा गांव तेरी तारीफ करता है। ले। आज भी चक्की पीसने आ जाओ बीबी जी। आ जाना आ जाना, ढेरों आटा पड़ा है। वैसे भी आरिफ के अब्बा की बरसी दूर नहीं, क्या ही बोरियां चाहिए होंगी। आ जाना। आरिफ मियां, आप कितनी छुट्टी पे आए हैं? अब्बा की भर्सी करके जाऊंगा। फिर तो बहुत दिन है। मैं जब गांव में इधर उधर घूम कर वापस आया तो वो अंदर एक कोठरिया में बैठी चक्की पीस रही थी। ओढ़नी उसके सर से उतर गई थी। और खुले बाल चक्की के हर चक्कर के साथ उसके चेहरे को छुपा और खोल रहे थे। उसने एक टांग को पूरा फैला रखा था और नीला लाचा उसके घुटनों तक खींच गया था, मगर ऐसी पिंडली को काट कर और शीशे के मर्तबान में रख कर ड्राइंग रूम में सजा दिया जाए तो कैसा लगे। मैंने इधर उधर देखा, अम्मा नजर ना आई तो मैं पंचों के बल कोठरिया की तरफ गया। दरवाजे से आती हुई रोशनी जब कम हुई तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, चक्की को रोक दिया, बालों को झटक कर समेटा और ओढ़नी को अपने सर पर खींच लिया, मगर फैली हुई टांग को फैला रहने दिया। चक्की की हत्थी को थाम कर आहिस्ता आहिस्ता घुमाने लगी और मेरी तरफ देखती चली गई। उस वक्त मेरा पहला तासुर यह था कि एक मोची की बेटी की आंखों को इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। गरीब गुरबा को छोटी छोटी आंखें ही कफायत कर जाती हैं। उसके चेहरे पर शरारत थी और उस डर के मारे कि वो कोई फिक्रा ना मार दे, मैंने पूछा, अम्मा कहाँ है? तो क्या आप यहाँ बीबी जी को देखने आए थे? तो क्या तुम्हें देखने आया हूं? अम्मा कहाँ है? बीबी जी यही हवेली में है, आपके चचा की बेटी बीमार है, उन्हें देखने गई है। ये जो तुम पिसाई कर रही हो उसकी कितनी उजरत लोगी? दो दिन का आटा तो मिल ही जाएगा। उसके लहजे में काट सी थी, न जाने तंस कर रही थी या उसका लहजा ही ऐसा था। अच्छा, दो दिन गुजर गए तो फिर क्या करोगी? फिर आ जाऊंगी चक्की पीसने, या पानी भरने या छतें लेपने।
उसकी मुस्कुराहट कितनी गुलाबी थी। जिंदगी में पहली बार इंकशाफ हुआ कि मुस्कुराहट का भी रंग होता है। भर दो इसको, भर दो। वो समझी शायद मैं कटोरे को पूरी तरह पाक कराना चाहता हूं। कटोरा भर गया तो उसने मेरी तरफ देखा। और मैंने कटोरा उसके हाथ से उचक कर मुंह से लगा लिया। वो इंतहाई हैरत और सदमे से बोली। वो हवास बाख्ता सी मेरी तरफ देखती रही और जब मैंने खाली कटोरा वापस किया तो उसके हाथ में राशा था। उसने ओढ़नी को यूं कस के लपेट लिया था जैसे नमाज पढ़ने चली है। उसकी आंखों पर नमी की एक चमकीली तह नमूदार हो गई थी। गांव में जवान लड़की का एक एक कदम गिना जाता है, एक एक नजर का हिसाब रखा जाता है। बहुत से दोस्त बैठे थे, लड़कियों का जिक्र हो रहा था कि फलां फलां के साथ है, फलां फलां के पीछे, फलां अगवा होने के इंतजार में, और फलां इतने हाथों से गुजरी है कि भरी जवानी में ही पुरानी हो गई है। और मैंने कहा, वो एक लड़की आला भी तो है। नादिर मुझे वो किसी काम की नहीं है, वो घर घर में जाकर काम करती फिर रही है, रुपया कमा रही है, खूबसूरत है, है निकम्मी। एक बार पेगू मुचल ने छेड़ा तो बोली, मैं मोची की बेटी हूँ, खाल उतार लेती हूँ। ये सुनकर पेगू शर्माया। पेगू को इतनी शर्म आई कि वो नाई के पास गया और अपनी मूंछों की नोकें कटवा दी। अगर वो इतनी अच्छी लड़की है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो इज्जत भी तो नहीं करने देती। तुम्हारे यहाँ तो बहुत काम काज करती है, कभी उसकी इज्जत करके देखो, काल उतार लेगी। वो फिर हंसने लगे और मुझे उनकी हंसी में शरीक होना पड़ा, मगर मुझसे अपनी हंसी की आवाज पहचानी नहीं गई। बिल्कुल टीम के खाली कनस्तर में कंकर बजने की आवाज।
मैंने सोचा अच्छी लड़की है, प्यारी भी है, शोख भी है, सब कुछ है, मगर आखिर मोची की लड़की है। और खानदान के बुजुर्ग कह गए हैं कि बुलंदी पर खड़े होकर गहरे खड में नहीं झांकना चाहिए, तवाजन बिगड़ जाता है और आदमी गिर जाता है। अब्बा की बरसी के रोज पूरा गांव हमारे यहां जमा था, लेकिन उस हजूम में भी आला की दौड़ भाग नुमाया थी, फिरकनी की तरह हजूम में घूम फिर रही थी। यूं मालूम होता था कि अगर यह लड़की इस हजूम से निकल गई तो बरसी की सारी तंजीम बिगड़ कर रह जाएगी, हर तरफ लूट पड़ जाएगी। वो बिल्कुल बर्मे की तरह हजूम में रास्ता बनाती हुई निकल जाती, गड़ाप से अम्मी के कमरे में जाकर उनसे हदायत लेती और वापस निकलकर फिर से हजूम में वर्मा लगा देती। इशा की अजान तक सारा गांव खाना खा चुका था, खाली देखे एक तरफ समेट दी गई थी। बिरासी, धोबी, नाई, मोची भी फारिग कर दिए गए थे। दिन भर की गहमा गहमी के बाद एक बहुत भारी सन्नाटा घर पर टूट पड़ा था। आखिरी मेहमान को रुखसत करके मैं अम्मी के कमरे में आया। मुझे पूरा यकीन था कि आला इस वक्त बैठी अम्मी के बाजू और पिंडलियां दबा रही होगी, मगर अम्मी अकेली बैठी थी। शायद जिंदगी में पहली बार उनका लिहाज किए बगैर मैंने उनसे पूछ ही लिया, आला कहाँ है? वो लड़की हीरा है, बिल्कुल हीरा।
आला। अरे आरिफ मियां जी। चावल ही देने आए होंगे। हाँ चावल ही देने आया। लाइए। बीबी जी ने बताया होगा कि मैंने क्या कहा था। हाँ बताया है। घर पे देते तो और ज्यादा अच्छा लगता, पर अभी भी अच्छा लग रहा है। कल सुबह वापस जा रहा हूँ। वो मुझे मालूम है। मालूम था तो वहाँ घर पे जरा सी रुक जाती। आपके कुर्ते का आखिरी टांका बाकी था, वही आके लगाया है। बक्से में उस कुर्ते की जगह तो होगी ना। और हाँ सुबह आपका बक्सा उठा के बस के अड्डे पे मुझे ही तो पहुँचाना है, बीबी जी ने कहा है। तुम क्या कुछ कर लेती हो आला। छते तुम लेप लेती हो, चक्की तुम पीस लेती हो, मिर्चे तुम कूट लेती हो, कुएं से दो दो तीन तीन गड़े पानी तुम निकाल लेती हो, पूरे घर का काम तुम संभाल लेती हो, कुर्ते तुम काट लेती हो, बोझ तुम उठा लेती हो। तुम किस मिट्टी से बनी हुई हो आला। वो खामोश खड़ी रही, फिर दो कदम उठाकर मेरे Yeah.